अभी एक बात चली थी ना, घर घर में राजनीति, देश में बहुत राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देश में पार्टियां नहीं बन रही हैं, भारत में बन रही हैं, मगर भारतवर्ष में वो समाज जिसे न्याय की जरूरत है, जो इस देश की शासक जातियों के जुल्म अत्याचारों का मारा हुआ है, उन लोगों में पार्टियां बन रही हैं। शेड्यूल कास्टों में घर घर पार्टी बन रही हैं, बैकवर्ड्स में घर घर पार्टी बन रही हैं। ये शासक जाति बड़े तरीके से चल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, कोई इनका और कोई दल बन जाए ना, नहीं बनेगा। और वो जब वो इलेक्शन आता है ना, कहते हैं पांच उंगली बराबर नहीं होती, मगर जब खाने बैठते हैं तो पांच उंगली बराबर हो जाती हैं। तो वो सारे साल एक दूसरे को कोसेंगे, मगर जब इलेक्शन आएगा तो समझौता करके इलेक्शन जीतेंगे। तो ये जो नई नई पार्टियां बन रही हैं, ये हमारे शेड्यूल कास्टों के बीच में ये हमारी मौत की गारंटी है। ये चलन बंद होना चाहिए। अब पहले तो घर घर में संस्थाएं बन रही थी, अब घर घर में पार्टियां बन रही, कितनी पार्टियां बनाओगे? आज चाहे किसी को बात हमारी बुरी लगे, मगर समाज के हित में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्थापित दलों को आप शक्ति दीजिए। आप अपने अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए नई नई पार्टी बना रहे हैं। तुम इस तुमको मिल क्या रहा है? मुझे बड़ा जानकर ताज्जुब होता है कि ये जो लोग बारिश के मेंढक की तरह निकल के आते हैं और पार्टियां बनाते हैं, किसी को 76 वोट मिल रहे हैं, किसी को 35 वोट मिल रहे हैं, किसी को 150 वोट मिल रहे हैं, क्या है ये? जबकि वो दुश्मन जानता है कि एक वोट से व्यक्ति हारता है और एक वोट से व्यक्ति जीतता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार क्यों गई? एक वोट कांशीराम जी का नहीं मिल पाया था उनको और वो सरकार गिर गई। वो एक वोट की कीमत जानते हैं और घर घर में वो हमारे लोगों के दिमागों में महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं। तो खड़ा हो जा, तू तो बहुत बड़ा है, तुझे तो बहुत लोग जानते हैं, तू तो जीत जाएगा, हम भी तेरे लिए काम करेंगे, ले तू ये बाइक ले ले, ले तू ये कार ले ले, और उसको खड़ा कर देते हैं। वो कुछ वोट काट रहा है, कुछ किसी को चुनाव चिन्ह टमाटर मिला थोड़ा सा वो काट रहा है, किसी को गिलास का चुनाव चिन्ह मिला थोड़े से वो काट रहा है। वो बड़े तरीके से चल रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक काम जो बड़ी संजीदगी से कर रहे हैं वो ये है कि राजनीति की मट्टी प्लीत कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अरमानों को रोंद रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, हम उस सपने को चूर चूर कर रहे हैं। कोई एक नेता वर्तमान समय में मुझे बता दो जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की राजनीति ना करता हो और दुश्मनों के साथ जाकर जो बैठ गया। आज हमारे समाज की जो अधोगति हो रही है, जो पतन हो रहा है, वो बिकाऊ नेताओं की वजह से हो रहा है। अगर ये नेता अपने समाज में होते, अपनी राजनीति में होते, तो इनका कुछ दबदबा बनता, इसका कुछ डर बनता, इसका कुछ भय बनता। आज इस देश के शासक हमारी ओर से बिल्कुल निर्भीक हैं। उन्हें पता है इनके सारे नेता तो हमने खरीद लिए हैं, इनके सारे नेता तो हमने अपने खूंटे से बांध लिए हैं, इनके सारे नेताओं की तो हमने कीमत लगा ली है, अब ये हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। मगर भैया नेता लोगों, एक बात सुन लो, तुम जब बीजेपी जैसी पार्टी से जुड़ते हो ना, वो आपको जोड़ने तक का काम करती है, बाकी ढोने का काम नहीं करती। उनको पता है अभी इन्होंने हमारा स्पर्श कर लिया, अभी अपने समाज के मतलब के तो रहे नहीं, क्योंकि वो जब अगर उसको पार्टी से निकाल भी देंगे या वो निकल भी जाएगा तो समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता। ये सच्चाई हमने सारी जिंदगी में भुगती है। तो वो लोग ना घर का रहता ना घाट का रहता, इस तरीके का हमारे नेताओं का चरित्र हो गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।